हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको बता दूँ, मैं फाइनली आ गई हूँ अपने मायके, और मायके आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हर बेटी को मायके आके बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो मैं एक साल बाद यहाँ आई हूँ। एक साल के बाद, यानी एक साल से ऊपर ही हो गया था। नेक्स्ट टाइम आई थी अपने बड़े भाई के शादी में, उसके बाद फिर दिल्ली चली गए, उसके बाद से फिर आना नहीं हुआ। तो एक साल से ऊपर हो गया, तब जाके आई हूँ। और सच बताऊँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिल के। बहुत सालों बाद मिली। अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। देख सकते हैं मेरा भाई लोग कितना सारा पेड़ पौधा लगा रखा है, पूरा हरियाली हरियाली। ये देखिए, मेरा छोटा भाई को बागवानी का बहुत शौक है, पूरा पेड़ पौधा लगाया है ऊपर से लेके नीचे तक, छत तक। और ये देखिए, इधर बगीचा बना रखा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इधर केला का पेड़ लगा रखा है, इधर फूल का पेड़ है, ये देखिए, इधर अमरूद का पेड़ लगा रखा है जिसमें बत्तियाँ भी दे दिया है। छोटे छोटे अमरूद देख सकते हैं आप, यहाँ भी लटका हुआ है, ये देखिए, हरियाली हरियाली बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर देख सकते हैं मेरे चाचा जी भी बागवानी खूब करते हैं, उनका भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, अमरूद का पेड़ लगाए हैं, उसमें भी दिया हुआ है, छोटा छोटा भी बत्तियाँ है, देखिए। इधर फूल का पेड़ लगाए हैं, वो मैं उनके यहाँ बाद में जाके दिखाऊंगी आपको। अभी ये मेरे तरफ लटका हुआ है सारा, ये देखिए। सच बताऊँ मायके आके हर लड़की को बहुत खुशी होती है, मायके का बात ही कुछ अलग होता है, एकदम फ्री फ्री लगता है। जहाँ मन करो आओ जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ससुराल में तो बंदिश रहती है, कहीं जा आ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा, घर में ही पैक रहो। मेरे भैया गए थे लाने के लिए, तो मुझे ले कर चले आए। और मैं सबसे आप लोगों को मिलवाऊंगी फिलहाल, अभी मम्मी नहीं है, मम्मी गई है मंदिर और बाबू सो रहा है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अभी तक सो रहा है। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, खैर गांव से तो गर्मी यहाँ कम ही लग रही है, गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी था। ये देखिए लोकेशन कैसा लग रहा है, पीछे का बहुत सुंदर लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, और फ्रेंड्स ये बताइए, ये किस चीज़ का पत्ता है ये बताइए। हमारे यहाँ तो अरकंचन बोलते हैं, इसकी सब्जी मुझे इतनी पसंद है ना, बहुत टेस्टी लगता है, मेरी सासू माँ मुझे बना कर खिलाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, इधर कड़ी पत्ता रोपे हुआ है, मेरा भाई सारा बागवानी करता है। इधर मनी प्लांट है, सब कुछ है। इधर अनार का पौधा लगाया है, अमरूद का तो देख ही लिया आप सब। और छत पर भी है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अभी भी धूप है, जबकि शाम के 6 हैं। नहीं जाऊंगी, बाबू भी क्योंकि अकेले सोया हुआ है। तो मेरे मायके के बाहर का लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट में बताना। और तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखना, और गर्मी बहुत है, खूब पानी पीजिए, जूस पीजिए, और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बीच में मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पता ही था आप लोगों को, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, माता मैया। तो अभी खैर ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए अपना भी। तब तक के लिए बाय, लव यू।